सही है, अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से हो गई। नमस्ते, सब ठीक है ना? अच्छी हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? स्टेशन जाने में देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। शीला उठ जाओ, ये रही तुम्हारी दवाई, इसे खाने से पहले कॉफी पी लेना। ओके, मैं जा रहा हूं, मुझे लेट होगा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जय श्री शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो, हेलो, शीला बेटी, मैं थोड़ी देर में जाकर वापस आता हूँ। बेटी, एक पेशेंट इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं जाकर वापस आऊंगा, तब तक टिफिन रेडी कर दोगी ना? हाँ हाँ, जाओ बेटी, जाओ जाओ। क्या जी, गांव में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं नहीं, पंचायत चल रही है। ठीक है, भाई को बुलाया? हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। भास्कर, भास्कर, भास्कर इधर आना, तुमसे कोई मिलने आया है, बाहर आना जरा। ये लूज है क्या? ऐसे लूज लोगों को कोई छोड़ता है? तो मुझे फोन करके नहीं आ सकती थी क्या? ये कौन है? ये पेशेंट है, इसका नाम है शीला, ट्रीटमेंट के लिए आई है।
सर पर चोट लगने की वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो गई है, इसी वजह से मुझे पापा घर से जाने ही नहीं देते। मैं जा रही हूँ उसका, हमारे सिवाय कोई और है भी तो नहीं। हाँ बोलो माँ। माला वहाँ आई है क्या? हाँ माला यहीं पर है माँ। उसके साथ जल्दी से शादी कर लो ना बेटा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ, वैसे भी हमें थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा कमाने लगूँ, एक नौकरी लग जाए बस। वैसी बात नहीं है। तो क्या शादी नहीं होगी तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं क्या, यही सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ बार बार ये बात क्यों करती रहती हो, मुझे समझ नहीं आता है। पापा से बात कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं उसे वैसा ही खुश रखूंगा, ओके? उसकी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है माँ? ठीक है बेटा। ठीक है तो मैं फोन रखता हूँ। उसे नाम याद है लेकिन गांव याद नहीं है। फिर तो तू ही ढूंढ के दिखा देना। मुझे पता है तू किस लिए पूछ रही। मैं इसलिए नहीं पूछ रही। मैंने शीला को बेहोश पाया था पता है, उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूं क्या, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। बस यही हुआ था। हाँ भाई। जब वो इधर से गुजरेगा ना उसे चुपचाप जाने देना, वो देखो आया। बाप रे। ए, कौन है तू? एड्रेस बताओ ना भाई, आपको पता है कहाँ? किसका एड्रेस? अरे बताइए ना, पता है तो। अरे क्या लिखा है इसमें, मेरी समझ भी नहीं आ रहा है। जाने दो। पता नहीं इसने जाने किसकी तो भाई, तो गलत किया। आज तो आज पता नहीं, 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 नहीं। क्या पता क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है। दिमाग खराब है क्या? दीजिए नशेड़ी कहीं का एड्रेस पूछा तो शर्ट ही फाड़ के रख दिया मेरा।
क्या यार यहाँ पर क्या कर रहा है? चल उठ जा, मैं तुझे बताता हूँ। चल उठ जा, चल भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, चल ना। मैंने कहा ना चल। अरे भाई संभल कर। अकेले इस तरह से बैठकर क्या सोच रही हो शीला? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। मैं कौन हूं बस यही सोच रही हूं। घर कब जाओगी ये सोच रही हो? मेरे मम्मी पापा कौन है मुझे यही नहीं पता। तो अभी तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ ना। हाँ तुम्हारे घर में सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। कोई परेशानी नहीं है, तुम रहोगी तो हमें खुशी ही होगी। तुम जो भी कहोगी हमारे परिवार वाले वो सब कुछ करने को तैयार हैं। The Chinese military contract, we have no pull, no details. The good news is, whatever it is... बेटी शीला, शीला यहाँ आओ बेटी। शीला मैं जरा थक गया हूँ, एक कप कॉफी बना कर ले आओ बेटी। ठीक है। उनको जाकर कॉफी दे देती हूँ। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आप पर बहुत गुस्सा है।
मेरे बैग में दवाई का हरे रंग का डब्बा रखा है बेटी, वो डब्बा लाकर इसको दे दो। आप कॉफी पियो, मैं जाकर बात करूंगी। जो जानते थे वो सब कुछ भूल गए क्या? मुझे सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है अभी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? गांव-गांव जाकर मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की है पता है? इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा तो भरोसा करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे भरोसा है, इसीलिए तो आई हूँ। थोड़ा सा सोच विचार कर बर्ताव करो ना, ठीक है? अच्छे से रहना। लड़की कौन है पहले ये पता करके उसे भेज दो। मैं भी गांव जा रही हूँ तो अब तो तुम बहुत अच्छे से खुश रह सकते हो। माला, क्या है? हमारे भरोसे को तोड़कर हमारी खुशियों को ऐसे बर्बाद मत करो, ठीक है? देखो माला, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ख्याल रखता है, मैं भी वैसा ही ख्याल रख रहा हूँ। हमारे दोनों के परिवार ने बचपन से हमारा ख्याल रखा है, हम किसी और लड़की को उस नजर से देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है? देखो अगली बार जब भी आना तो अपने मन से ये डर निकाल कर आना, ठीक है? नहीं तो वापस ही मत आना। आई बात समझ में? अब जाओ। अमन, ठीक से देखना, समझ गए? सर, हाँ नमस्ते। वल्लूर स्ट्रीट कहाँ सर? सीधे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाना, वही है। थैंक यू सर। हाँ। कौन है ये, नया लग रहा है? हाँ। मैं जिस घर को ढूंढ रहा हूँ मुझे लगता है ये वही है। सर, सर आओ, वहां पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठ जाओ। थैंक यू सर। मैं अभी आया। शीला,
शीला यहां पर कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। क्या बात है, बोलो। यहाँ पर शीला। नाम क्या है? देवी। देवी, अभी जब मैंने शीला को तेरे घर में देखा तब मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा मेरे दोस्त। इतने दिनों से मेरा मन सिर्फ खुद ही से बातें करता रहता था, क्योंकि मेरा मन उसके बारे में सोचता रहता था। हम सब चेन्नई में एक छोटी सी कंपनी में मिले थे, वहां काम करते थे। ठीक है, मैं अप्रूवल ले लेता हूं। ये फाइल मुझे जल्द से जल्द मेल करनी होगी, सर ने कहा था। ठीक है, कुछ करता हूं। जॉनी, कैंटीन चलते हैं। ठीक है, चल चलते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके भैया। मेरे आने से पहले ही तुम खाना बनाकर खा लेना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप कब आएंगे? संडे को आ जाऊंगा। जल्दी नहीं आ सकते हैं क्या? जल्दी ही तो आ रहा हूँ, क्या बात है? शीला बात नहीं कर रही है। लेकिन उसे हुआ क्या है? वो आपकी इकलौती बेटी है, आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ठीक है। आना, मिलना, बात करना, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं आकर बात करूँगा ना, ठीक है? देखिए, उसकी उम्र शादी की हो गई है और अब मैं उसे संभालूं, इन चीजों का ध्यान रखूं, मुझसे ये सब नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। हंस क्यों रहे हैं, सच है ना ये? आप संडे को आएंगे ना? पक्का आऊंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है ठीक है। अब आप कोई बिजनेस का काम है या फिर सर दर्द हो रहा है, फ्लाइट मिस हो गई है, ऐसे बहाने मत बनाइएगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। I want you to be here by Sunday. Okay. And don't try to tell me all excuses. Okay? Okay. Yeah, I want to talk about Sheila too. ठीक है, आकर बात करता हूँ। हाँ, देखिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और आप भी कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, रखती हूँ। ओके, सी यू, ध्यान रखिएगा। हाँ, जरूर। ओके, थैंक्स। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं आ सकती, माँ घर पर ही है, समझ? हम लोग आउटिंग के लिए जाएंगे, दोनों कल जाएंगे। ओके, डोंट वरी। प्लीज अभी मैं कॉल काटती हूँ। हाँ, बाय, रखती हूँ। हाँ, ठीक है, कल बात करती हूँ। ओके, अब इसे मैं कंट्रोल में कैसे लाऊं? अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तुम तो धोखेबाज निकली। क्या कहा? जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, ठीक है?
अगर इसके बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ गया है, किससे मिलने गया है? आए बड़े गुस्सा करने वाले, ये अकड़ना मुझे मत दिखाओ। हाँ? ऐसा क्या? देखो मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। मेरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। कैसा जमाना आ गया है। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं बोलोगे? वाह, चुप रहो। From a thief's point of view, this is worst case scenario. जैसा आप कहें पिताश्री, मैं वैसा ही करूँगा। देखो पुत्र, तुम्हें हमेशा सत्य का ध्यान रखना होगा। बिना सत्य के ज्ञान से मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। तुम्हें इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना है पुत्र कार्तिकेय। मेरी बात को समझ तो रहे हो ना तुम? और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, जहाँ भी जाओ जो भी करो अपने माता पिता की अनुमति से ही करना। मैं समझ सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ स्वामी। निश्चित ही देवी। हेलो सर। हाँ ठीक है। भैया, भैया। हाँ आओ भाई। ये प्रिया है। नमस्ते सर। आ जाओ अंदर। ओके okay, सर। जॉनी के साथ काम करती हो? जी सर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन हैं, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी गांव में ही है ना? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। कभी कभी घर पर आती रहना बेटी। ओके सर। जॉनी से मैंने तुम्हारे बारे में बात की है। सच में सर, थैंक यू सर। मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना है। जी सर, थैंक यू। भैया मैं इसे छोड़ कर आता हूं। जाओ छोड़ कर आओ। चलो। क्या बात है, कल रात में फ्री नहीं हूँ। छी, तो मुझे फोन करने के बाद बताओगे ना कि? अच्छा तो मैं डिसाइड करके बताऊंगी। तुम भी जल्दी से डिसाइड कर लो और मुझे बताओ। ओके, तब तक तुम प्लान कर लो। इसका नाम रूपा है, ये कंपनी ओनर की बेटी है और ये इतनी सोशल है, हम ऑफिस नहीं जाते, हमेशा बाहर इसका इंतजार करते हैं कि इसकी एक झलक मिल जाए। हाय प्रिया। हाय जॉनी, बैठो ना। आओ। बताओ जॉनी, यहाँ कैसे? प्रिया, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, लेकिन मैं कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा है। वो बोलो ना अब। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, क्या तुम भी मुझसे? सॉरी जॉनी, लेकिन मैंने अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा है। ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ। अब से इससे मिलूंगी नहीं मैं। अपने लव के बारे में डेविड को बताना पड़ेगा। हेलो। हेलो, डेविड बोल रहे हो? हाँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। बोलो प्रिया, क्या बात है? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी आना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काली काली अखियों ने मुझ पे ऐसा जादू किया। डेविड, इसने मुझे मिलने क्यों बुलाया?
ठीक है चलो देखते हैं क्या। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ शीला से प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें पता है ना? तो फिर ये सब क्या बोल रही हो तुम? सॉरी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं यार, प्रिया ने मुझे ना बोल दिया है। देख चिंता मत कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, लाइफ भी धोखेबाज है। डोंट वरी यार, दिल से खिलवाड़ मत कर, सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। चिंता मत कर यार, मैंने कहा ना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ होता है तो मेरे पास चले आ, मैं ठीक कर दूंगा तुझे। क्या हुआ भाई, तो ऐसे क्यों बैठा है? पीना यार, अच्छा लगे। कोई बात नहीं, पी ले यार। मेरा दिल बहुत दुखी है यार, मुझे प्रिया चाहिए। ज्यादा सोच मत यार, एक पैक पी ले, सब ठीक हो जाएगा, समझा? मेरे लिए सब कुछ प्रिया है यार। छोड़ ना यार, मैंने कहा ना मैं सब देख लूंगा, चिंता किस बात की? अरे भाई कुछ बोलना यार, एकदम साइलेंस हो गया यार। बहुत तकलीफ हो रही है यार, मैं जाता हूं। ज्यादा सोच मत यार, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार ज्यादा सोच मत, ठीक हो जाएगा। पी ले पी ले, चल पी ले। अरे छोड़ना यार, फोन छोड़, क्या कर रहा है यार? भाई मेरा फोन देना यार, देना। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, फोन छोड़। पहले मेरा फोन दे। नहीं मैं फोन नहीं दूंगा। ए ठीक है ले रहा हूं, ये ले। अरे छोड़ना यार, हम लोग शांति से पी ले बैठ जाए तो तू फोन लगा। अरे मेरा फोन ले, बैठ जा, मुझे उससे बात करनी है। पी ले, हां हां पी ले, कुछ नहीं होगा, दिमाग शांत हो जाएगा। पहले मेरा फोन दे। पी ले पी ले पी ले भाई, पी ले, बहुत अच्छी चीज है। हां पी ले, पी लिया ना? हां ठीक है, दिमाग शांत हो जाएगा। अरे चिंता मत कर यार, ठीक हो जाएगा। भूल गया यार उसे, अरे भाई अरे भाई चिंता मत कर। आइए डॉक्टर। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसी हो बहन जी, अच्छी हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ डॉक्टर। मैंने जो दवाइयाँ बताई थी वो समय पर ले रही हूँ ना? हाँ समय पर ले। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ सर कहाँ पर हैं? वो काम पर गए हैं क्या? हाँ वो सुबह ही गए। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ किसी काम से आया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा हाल चाल लेते चलूँ, इसीलिए आ गया। अच्छी तरह से रेस्ट करना, समय पर दवाइयाँ लेती रहना, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना? आप कॉफी पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, कॉफी की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं जब भी फ्री रहूंगा आकर मिल लूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। जॉनी क्यों इतने उदास हो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। क्या बात है मुझे तो बताओ। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं भैया, कुछ न कुछ तो हुआ है। तुम चिंता मत करो भाई, वो लड़की प्रिया दिखने में भी अच्छी और दिल की भी अच्छी है। तुम प्रपोज कर दो, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। I am from CBI. क्या बात है? जरा बाहर आओगी? ओके आती हूँ। मिस प्रिया। बोलिए ना सर। काम कहाँ करती हो? एक प्राइवेट कंपनी में। आई सी, शीला नाम की लड़की को जानती हो? हाँ जी सर। ऑफिस कहाँ पर है? कोडमपाकम। कोडमपाकम में कहाँ? आजिस्नाका के आसपास ही है कहीं। शीला के बारे में क्या जानती हो? शीला, शीला के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा ऐसा क्या? शीला के बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर?
मंजू तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, बोलिए। बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? वो तो आने वाले थे ना, अभी नहीं आए क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आए हैं। जॉनी बहुत उदास है, अभी उसे प्रिया नाम की लड़की से प्यार हो गया है, जाकर उससे बात कर लेना। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, फिक्र मत करो। इस विषय में तुम ही उसे समझा सकती हो। हाँ हाँ मैं कर लूंगी। जॉनी भैया यहाँ आओ भाई। हाँ। आ जाओ बैठ जाओ। बोलो भैया क्या बात है? तुम्हारी भाभी तुमसे बात करना चाहती है। क्या है भाभी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो नॉर्मल ही हूँ। भैया को कुछ गलतफहमी हो गई है। जो भी बात है खुलकर बताओ ना मुझे। बता दो, डरना क्या है? हर दिन कंप्लेंट्स आते हैं तुम्हारे। मैं भैया से बात कर लूंगा। भैया को बताना है तो भैया को बताओ, लेकिन बात क्या है वो बताओ। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। जो भी बात है अपनी भाभी से बता दो, ये तुम दोनों की हेल्प करेगी। तुम अपने दिल में ये बात छुपा कर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? ये तुमसे बात करने के लिए ही गाँव से आई है। तुम्हारे भैया इतना बोल रहे हैं तुम्हें, फिर भी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारा लव डेफिनेटली सक्सेस होगा, ठीक है ना? ठीक है भाभी। मैं हूँ ना, तुम्हारे भैया भी है ना। देखो अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम किसी बात की चिंता मत करना, ठीक है? टेंशन मत लो। क्यों इतना टेंशन लेते हो? नहीं लूंगा टेंशन। ठीक है, ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ओके, चलता हूँ भैया। ठीक है जाओ। जॉनी को तुमने अच्छे से समझाया, उसके लिए धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है ना, इसमें क्या है? आपका छोटा भाई तकलीफ में होगा तो अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। आज मेरे पास बहुत सारे काम है, शॉपिंग पर आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कल जाते हैं। ओके, मैं आ जाऊंगा। कल जाते। हाय हाय रूपा। हे हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डेविड कैसा है? अच्छा है। अच्छा, अभी मिलकर आया हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सबको बोलना कि मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल, कैसी हो पूछा मैंने, तुमने अभी तक बताया नहीं। बताया तो मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? हाँ, सबको कहना मैंने याद किया। ठीक है, ओके, चलो मैं अभी चलती हूँ। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय बाय, सी यू। शीला के केस के बारे में कुछ पता चला क्या? सर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ सर, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तुम्हारा जो इन्फॉर्मर था उसका क्या हुआ? हाँ सर, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ सर, पर कुछ मिला नहीं सर। इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा सर। हमारा हर फॉलो अप फेल होता जा रहा है सर, पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। क्या करोगी, कैसे करोगी, ये सब मुझे नहीं पता। इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्मेशन, क्लूज सब चाहिए। ऊपर से मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इट्स अ वेरी सीरियस केस। इस केस के मामले में कुछ भी हाथ लगे तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना, ठीक है? I want the information as soon as possible. मैंने शीला के फोन को ट्रेस करने के लिए कहा था। सर वो जो शीला का नंबर है ना। हाँ। सर वो ऑफ आ रहा है, ऑन होते ही हम ट्रेस कर लेंगे। और ये भी ठीक से पता करना कि वो कहाँ कहाँ गई थी। ठीक है सर, मैं देख लूंगी उसे। तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं हेल्प के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। हाय डेविड, कैसे मैं हो? बताओ तुम कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम्हें पता है क्या? क्या बात? मैं उस दिन जॉनी से रोड पर मिली। अच्छा? उससे टक्कर हुई। मैंने देखा तो उसे पता नहीं क्या हो गया है, पहले से बहुत डल लग रहा है वो। हाँ। लगता है कोई लव फेलियर है। डेविड तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं क्यों बहुत डल था, लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है ऐसा लग रहा था। घर जाकर क्यों नहीं आते? जाकर उसे लेकर आओ, हमारे साथ मिलवाओ, हमारे शहर में उसे लेकर आओ ना। बालकमपुर वो जगह सही रहेगी क्या? अरे डोंट वरी यार, जस्ट पार्टी करेंगे और कुछ नहीं। ओके। हम सब अपने यूजुअली बार में ही जाते। अच्छा। हैं, वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलो मैं चलती हूँ। बहुत काम हो गया, कोई फ्री है क्या? जॉनी, डेविड, जॉनी, डेविड। ए, हाय। बोलो। क्या कर रहे हो यार, बहुत बिजी हो क्या? सर तो घर चले गए हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना। क्या बात है डेविड, आजकल तुम ज्यादा बिजी हो, शीला के साथ बिजी हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बताओ ना, बताओ क्या बात है।
अगर कोई बात होगी तो बताऊंगा ना। और जॉनी तुम बताओ। नहीं यार, मुझे बात करने का समय नहीं मिला इसीलिए। अच्छा चलो बताओ क्या चल रहा है। हेक्टिक है, ये सब क्लियर करना है ना। मेरा काम तो बहुत ज्यादा रुका हुआ। मुझे अब कोई काम नहीं है। ये बोलकर जला रहे हो क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तू खिलाड़ी है यार। मैं तो मजाक कर रहा था यार। वो क्या है ना, सुबह से हम लोग इतना काम कर रहे हैं, फ्री टाइम में ऐसी बातें करने से थोड़ा मजा आता है। सच में बहुत बढ़िया। और बताओ। हेलो सर। सर क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं चल रहा है सर, हम बस। गो टू योर सीट। सॉरी सर। सॉरी सर। Come in. Please be seated. How can I help you? We have come here for an investigation. Is it related to Sheila? Yes. Oh. So, how can I help you? We have certain procedures to follow of this investigation. Is it? Where is Sheila? I'll introduce you to Mr. David, who is her boyfriend. Okay. Can you call him? Yeah, sure. He's David. Can you please wait outside? We have to do some investigation with him. Sure, yeah. Okay, thank you. Excuse me, where is Sheila? Mujhe nahi pata, sir. Take him. Please, sir. Sir, please. Hello? Hello? कहाँ पर हो तुम? यही हूँ. कर क्या रही हो? Shopping कर रही हूँ. वैसे आना कब है? आ जाऊंगी अभी. मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ. हाँ ठीक है. जल्दी आना, ठीक है? ओके.
हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। कहाँ हो? मैं यहाँ पार्क में मौजूद हूँ मैडम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम इमीडिएटली घर आ सकते हो क्या? ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ। अब इन्होंने क्यों बुलाया, क्या बात हो सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, मे आई कम इन? यस, कम इन। नमस्ते मैडम। आओ बैठ जाओ। थैंक यू मैडम। वहां क्यों बैठ रहे हो, यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो ना। अरे तुम ऐसे इतना डर क्यों रहे हो, ठीक से बैठ जाओ ना। मैंने तुम्हें घर पर बुलाया है फिर भी डर रहे हो। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है इसीलिए घर पर बुलाया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जब तक तुम्हें देख ना लूँ मेरा दिल तड़पता रहता है, पता है? क्या हुआ, पास आओ ना। तुम्हें ऐसे देखने की कितनी ख्वाहिश थी, ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा केस ही सब कुछ होता है, मेरी ड्यूटी ही सब कुछ है मेरे लिए। तुम चिंता क्यों करती हो, है? इस केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें लाके दूंगा। अच्छा, तुमसे एक और बात कहूँ क्या, अगर मुझे अगर क्या अगर मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो दोगे, बताओ ना। पक्का बताऊंगा ना, क्या जानना है बोलो, मैं बताऊंगा, बोलो ना। थैंक यू सो मच जान। सर हाथ मिलाइए, कांग्रेचुलेशंस। सर मैंने आपको एक इन्फॉर्मर के बारे में बताया था ना, वो यहाँ आने वाला है सर, बस वो पहुँचता ही होगा। हाँ सर, वो हमें इस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तुरंत आएंगे? हाँ सर, बस आता ही होगा। ठीक है, दो मिनट में आ जाएगा सर। नमस्ते सर, यही है। नमस्ते, नाइस टू मीट यू। सर आपने कहा था कि वो अक्यूज्ड बार में आता है सर, रेगुलरली शराब पीने के लिए आता है। आज रात उसके आने की इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर, चाहे जो हो जाए। तुम श्योर हो? हम पकड़ लेंगे सर। गुड, अच्छी खबर सुनाई तुमने। थैंक यू सर। चलो चलते। ठीक है सर। अबे व्हाट्सएप देखने का नहीं, जब तक साइलेंटली एक पैक नहीं पीने का, पीते समय चुपचाप साइलेंट रहने का। या तुमने ऐसी दुनिया नहीं देखी है या फिर सुनी नहीं है। मेरी आवाज बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची है, सुपर से ऊपर। आ जाओ जरा स्पीड में आना। कौन आ रहा है? है, है। ये क्या यार, कोई नहीं आ रहा है। इसकी तो मैं ही पीता हूँ अकेले, कोई मेरे साथ पीने को तैयार नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरा। ए, देखो मैं मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे छूओगे तो जल जाओगे। अरे मेरी ग्लास खाली हो गई है, इसमें डालो डालो, पियो पियो। हाँ पियो, हाँ आजा। क्या है बे, क्या है, मुझे क्या देखता है ऐसे, मैं पी रहा हूँ ना। क्या आप मदद कर सकते हो? लगता है ज्यादा चढ़ गई है। हाँ सही कह रहा है। हम क्या बोल रहे हैं इसे समझ नहीं आ रहा है। तो लगा के दे इसे जोर का। अबे जा यहाँ से, जा। अबे जाना। मैं जाता हूँ, जाता हूँ। ऐश करो, मजे करो तुम लोग।
साइट पर जाकर देखा क्या? अभी तक देख कर क्यों नहीं आए? हाँ जल्दी से देख लेना, प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करना है। चलो रखता हूँ भैया। हाँ क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? हाँ भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है चलो बैठ के बात करते हैं। क्या बात है बोलो। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी। बताओ ना। भैया वो मेरे ऑफिस में काम करने वाले जॉनी को जानते हैं? जानते हैं ना भैया? हाँ जॉनी जो तुम्हारे साथ काम करता है वही ना? हाँ भैया। बताओ क्या हुआ? मैं उससे प्यार करती हूँ भैया। अच्छा? हाँ भैया। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो कौन है और उसका घर कहाँ है पता है क्या? हाँ भैया पता है। ओके फिर मैं मम्मी पापा से बात करके उसके घर वालों से बात करने के लिए जाता हूँ, चलेगा ना? ठीक है मैं देख लूंगा, कोई परेशानी नहीं है। जॉनी को घर लेके आना, उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है भैया। मैं मिलकर बात करता हूँ। थैंक यू भैया। देखो चिंता की बात नहीं है, मुझे जरा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है थैंक यू। हेलो। हेलो जॉनी। हाँ एक खुशी की बात है। क्या है बताओ। जॉनी भैया को हमने हमारे बारे में बताया। हे क्या बोल रही हो, क्या कहा उन्होंने? इमीडिएटली तुमसे मिलना चाहते हैं वो। हे सुनकर बहुत खुशी हुई। कब आओगे? अभी आता हूँ मैं। ओके देन बाय। बोलिए मैडम। इस घर के लोग कहाँ हैं? सब गांव गए हैं मैडम। कब आएंगे कुछ पता है? नहीं पता मैडम, बिना किसी को बताए ये लोग विदेश चले गए हैं। ठीक है। तुम यहाँ पर कितने साल से हो? मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ। अच्छा। हाँ मैडम। यहाँ पर कोई और भी आता है क्या? हाँ मैडम बहुत लोग आते हैं। आने वालों में से इम्पोर्टेंट कौन है तुम्हें कुछ पता है? मैडम आप जो कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओके तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? नहीं मैडम मुझे नहीं पता। ठीक है अगर कुछ भी पता चले तो स्टेशन पर आकर बताना। चलो। और क्या हालचाल है? हाय दोस्त। ए अंदर आओ। और बताओ कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है यार। क्या यार अचानक आ गया? कुछ नहीं यार बस ऐसे ही आ गया। दोस्त शीला के मामले में पुलिस तुम्हें लेकर गई थी, क्या हुआ? यार शीला कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई यार। ठीक है चिंता मत कर, वो तुम्हें पक्का मिल जाएगी। पुलिस वाले बार बार आके मुझसे पूछताछ करते हैं। ठीक है चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। क्या डेविड शीला के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं भैया पूरा गांव देख लिया। तुम उसके बारे में चिंता मत करो। ठीक है भैया बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा। चिंता करने से तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है। बात तो सही है। ठीक है ओके भैया। ठीक है अब मैं चलता हूँ भैया। भैया छोड़ कर आ भैया। चलो। हेलो क्या ये बार बार रिकमेंडेशन हमेशा यही बात करते रहते हो? ये सब जो भी हुआ है ना मुझे इसमें मत घसीटो। आगे से मुझे कभी कॉल मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फोन रख। समझ गया ना तू? ठीक है बाय रखती हूँ। नमस्ते, केस के मैटर का क्या हुआ? पूछताछ करने के बाद तो मुझे उस लेडी पर पक्का डाउट हो रहा है मैडम। कोई बात नहीं मैडम मैं सब देख लूंगा, सारी डिटेल्स निकाल कर आपको दे दूंगा। मेहरबानी करके जल्द से जल्द केस के बारे में पता लगाओ, तुम हमारे अच्छे इन्फॉर्मर हो ऐसा मैंने कह दिया है। बोल तो रहा हूँ मैडम, पूछताछ करने के बाद मुझे उस लेडी पर पूरा डाउट हो रहा है, यकीन। अरे लेकिन बिना किसी सबूत के क्या कर पाएंगे हम? सबूत मैं आपको देता हूँ, आज रात को सबूत लेकर मैं आपके यहाँ आऊँ या आप आओगी? रात को तुम घर नहीं आ सकते, समझ गए? अब जाओ। तो फिर ठीक है जाओ। ठीक है ठीक है ओके, देख करके डील करते हैं। हाँ मैडम डील कर लेंगे।
शीला के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ पता चला है सर। क्या पता चला है? कोई एविडेंस मिला? थोड़े समय में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमें। सीबीआई की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। ओके सर। तो जल्दी से इस केस को सॉल्व करो। मैं वो सब देख लूंगी। इस केस को खत्म करने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ओके सर। कुछ भी हाथ लगे तो मुझे बताना। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत बताना। और कुछ इम्पोर्टेंट बात? और कुछ भी नहीं है सर। आइए। नमस्ते। अच्छा केस का कुछ पता चला? कोशिश कर रही हूं। उसी बारे में बात कर रहे थे। और दो तीन केसेस भी है ना? डेविड नाम के लड़के को फॉलो कर रहे हो ना? हाँ उसका सर, क्या हुआ? थोड़े एविडेंस मिले हैं हमें, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। और वो शीला के फोन को भी ट्रेस कर रहे हैं सर। okay. और बाकी इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस दो तीन दिन में मिल जाएंगे। एनीवे वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। बेटा भास्कर, देखो बेटा भास्कर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस लड़की का इलाज मैं कर रहा हूँ ना, वो ठीक हो जाएगी। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं अभी उसके लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर दवाई बना रहा हूँ। निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम हिम्मत रखना, ठीक है? जाओ। ठीक है। पढ़ ली है। तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सर? वो तो पिछले हफ्ते में मेरी ऑफिस में नहीं आया था, इसीलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा थोड़ा मूड भी खराब था। जल्दी ही मैं तुम्हारी दी हुई कंप्लेन पर एक्शन लूंगा, ठीक है? जल्दी कोई एक्शन लीजिए सर। ओके श्योर। अब तुम जाओ, मंडे तक सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। यस। हेलो रूपा। हाय, आप यहाँ? आई एम फाइन। मुझे पहचाना कि नहीं? हाँ, प्रिया के ब्रदर हो ना? हाँ, वही हूँ। फंक्शन में देखा था मैंने आपको। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रूपा। हाँ बोली, क्या है? मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे लव करता हूँ। क्या अचानक से कह रहे हैं आप ये? मुझे देखो, तो समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नजर से देखती हूँ। और ये तो टाइम ले लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। शादी वादी करने का मेरा कोई आइडिया नहीं है अभी, मुझे फ्रीली रहना है, एंजॉय करते हुए। सॉरी, अभी मैं नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, तुम मुझे गलत मत समझना। गलत नहीं समझूंगी, हम फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है? ओके ओके। भैया, भैया। हाँ, आओ आओ जॉनी। भैया, मेरी प्रिया आ रही है। ये बात है? बहुत खुशी की बात है। थैंक्स भैया, वो आ रही है। की बात है, अब मेरे दिल को शांति मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सिर्फ प्रिया ही आ रही है या उसके भैया भी आ रहे हैं? उसके भैया भी उसके साथ आ रहे हैं। ओह, मैंने आने को कहा। ठीक है, आपसे बात करने के लिए। उनको आ जाने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपको भैया से बात करनी होगी। मैं उनसे बात करूंगा। भैया लगता अच्छा, है वो आ गए। जाओ देखो। ठीक है भैया। हाय प्रिया, आ जाओ। आओ आओ प्रिया। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। बैठो। हेलो सर। बैठो। भैया, प्रिया के भैया। नमस्ते। नमस्ते सर। आप लोगों के बारे में इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ सर। वैसे आप क्या करते हो? मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। मैं भी बिजनेस ही करता हूँ। जॉनी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। शादी के बाद इसे ही तो संभालना है, बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इस पर ही। अच्छी बात है सर। जैसा आप कहे भैया। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक्स भैया। जॉनी अब तो तुम खुश हो गए हो ना? अच्छी बात है भैया। वो तो फिर ठीक है, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। प्रिया कांग्रेचुलेशन बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? जी बिल्कुल। तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू सर। जॉनी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है और जॉनी तुमसे बहुत प्यार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों। थैंक्स।
अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, अब जाकर आप लोग तैयारी करो, हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकालेंगे। घर दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ दिखाओ। आओ प्रिया, ये है हमारा रूम। सुनो, तुम कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो? मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। शीला कहाँ है? पता नहीं सर। शीला के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर कोई आया कि नहीं? आया था सर। हाँ? नहीं आया था। अगर कोई आता है ठीक तो है, मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। समझा क्या? नया नंबर है, किसका है? देखता हूँ कौन है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मिस्टर वेल। बोलिए सर, वेल ही बोल रहा हूँ। वेल, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहाँ पर हो? स्टेशन के बगल में हूँ सर। मैं वहाँ पर आऊँ क्या? आ जाइए सर। ठीक है, आता हूँ। अरे क्या बात है, यहाँ आने की हिम्मत आ गई? तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता? क्या बात है बताओ। वो मैं तुम्हें देखना चाहता था। अरे वो तो हम ऑफिस में मिल सकते थे। अरे कुछ नहीं, वो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, जो भी है बता दो ना। वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ शीला। ये कहने के लिए इतना सोच रहे थे? हाँ यार, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पर यकीन करें। इन सब का सबूत है क्या? दिन रात मेहनत करके मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है मैडम, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल में मौजूद है। एक बार आप हाँ। देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। क्या कह रहे हो? इस फोन में सारा सच मौजूद है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं। तो फिर वो लड़की? मैं तुम्हें वो सब कुछ भेजता हूँ, हो सके तो एक बार देख लो, ये केस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मेरी बात पर भरोसा करके तो देखिए। मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही हूं। एक बार देख लो, भरोसा हो जाएगा, उसके बाद अपने सुपीरियर ऑफिसर को इमीडिएटली बता देना। सारे प्रूफ तो इस मोबाइल में है, लेकिन आखिर वो लड़की कहाँ है? वो भी पता है मुझे, सब कुछ अच्छे से पता है। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। हाँ मैडम। यहाँ आ जाओ, आपके घर के बगल में ही हूँ। ठीक है, मुझे बताना। ओके मैडम, अभी आता हूँ। मैडम यहाँ आओ। बोलिए मैडम, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने? उस मैटर का क्या हुआ बताओ। देख रहा हूँ मैडम। क्या देख रहे हो, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें? हाँ डर लग रहा है तो मैं देख लूंगी। मैडम डर नहीं लग रहा है मैडम, मैंने तो सब कुछ रेडी कर लिया। रेडी करके रखने से क्या होगा, तुमने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? सीधे जाकर करूंगा मैडम। सीधे जाकर उसे ठीक से एग्जीक्यूट करो, मुझे अपडेट देना। ठीक है, समझ में आया? किसी को इस बात का पता ना चले, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, मैं देख लूंगा मैडम, आप मुझ पर यकीन रखिए। भरोसा करो, जो भी है ठीक से करना, बाकी मैं देख लूंगी। ओके मैडम। पेपर्स देखो, पेन देना जरा। थैंक यू, अब जा सकते हो। शिवा तुम भी निकलो।
भाई इसको निकालें क्या? चल निकाल इसे। ठीक है भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो? अबे छोड़ दो मुझे। आराम से भाई, संभाल के। कितना चिल्ला रही है? छोड़ दो। अरे भाग गई। पकड़ उसे, वो भाग रही है। बचाओ मुझे, बचाओ। कोई है क्या? ए, ए, रुक। ए, भाई पकड़ो उसे। बचाओ। ए, रुक। छोड़ दो मुझे। ए! भाई मिली क्या? वहां देख। क्या हुआ भाई? ये तो मर चुकी है। चलो, चलो निकलते यहाँ से। चल भाई, रुको ना, जल्दी कर। हे, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर। चल भगा, जल्दी भगा। यही हुआ। तुमने इस केस में हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जो भी हुआ है अपने सीनियर ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो। और एक बात, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन किसी और को मत देना, ठीक है? ओके। इस केस में कुछ हाथ लगा क्या अब तक? डेविड गुनहगार नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? सर मुझे सारे सबूत मिल गए हैं, केस क्लोज हो जाएगा सर। लेकिन कैसे होगा ये सब? हाँ सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बोलो क्या हुआ सर? सारे सबूत मिल गए हैं। देखो डेविड, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये प्रूफ हो गया है। फिक्र मत करो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें स्टेशन आना है। जाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हां जाओ, चलता हूं सर। टेक केयर। देखो हमें उसे जल्दी ही पकड़ना होगा। ओके। देखिए सर, जिसने उस लड़की को उठाया है उसे अरेस्ट करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हाँ ठीक है। चलिए सर, चलो आइए, चलते हैं। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? क्यों? शीला की मौत के जिम्मेदार तुम हो, ये पता चल गया। क्या? कौन शीला? क्या प्रूफ है? इस बात का सबूत तुम्हारे पीए ने हमें दिया है। ओके। तो अब चलें। काल में रिजर्वेशन करा के आई हो, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ, शीला तो अब ठीक हो गई है, अब वो अपने गांव जा सकती है। तुम बेकार में शक कर रही थी बेटी। पागल हो तुम। शीला, शीला।
आओ बेटा भास्कर, अब शीला पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैंने अपने करियर में बहुत ऊंच नीच देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और कई तरह के अनुभव किए हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में यादाश्त का चले जाना और फिर सब कुछ याद आ जाना, ये चमत्कार सिर्फ उसके लिए ही नहीं बेटा, मेरे लिए भी खुशी की बात है। ठीक है पापा। डेविड चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है। चलो अंदर चलो।